तो बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, जहां जनसभा के दौरान मुकेश अग्निहोत्री का मंच टूटा और काफी भीड़ मंच पर थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुकेश अग्निहोत्री और मंच पर काफी भीड़ थी और इस वजह से ये हादसा हुआ है। तो अफरा तफरी का माहौल भी इस दौरान देखने को मिला और साथ ही साथ देखिए मंच टूटा, लेकिन इस दौरान भी मुकेश अग्निहोत्री बीजेपी पर तंज कसते हुए बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जैसे ये मंच गिरा है वैसे ही बीजेपी की सरकार भी गिरेगी। और अमित शर्मा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले तो ये जानकारी दे कि ये घटना कैसे घटी। जी बिल्कुल पुनीता, आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए एसडीएम हरोली कार्यालय में जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक कांग्रेस द्वारा जो जनसभा रखी गई थी एसडीएम कार्यालय के पास, उसको संबोधित मुकेश अग्निहोत्री को जो है वो करना था। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सीधा जनसभा स्थल पर पहुंचे और वहां पर आते ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करना शुरू किया। लेकिन जो जनसभा स्थल था, जो मंच था, मंच पर एकाएक काफी भीड़ जो है वो जमा हो गई। जैसे कहा जाए कि 40 से 50 लोग जो है वो मंच पर चढ़ चुके थे, और जैसे ही मुकेश अग्निहोत्री ने अपना भाषण शुरू किया, भाषण शुरू होने के 2 से 3 मिनट बाद मंच जो है वो धड़ाम से नीचे जा गिरा, जिसमें करीब 7 से 8 लोगों को जो है वो चोटें आई हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को खुद भी जो है वो हल्की चोटें जो है वो इस हादसे में आई हैं, और तुरंत जो घायल लोग थे उनको गाड़ी में बिठाकर जो है वो अस्पताल भेजा गया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जो है वो एक बार फिर से खड़े हुए और वहां पर वो अपने भाषण में जो है वो पूरी तरह से झुक गए, और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले बोले। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से ये आज मंच टूटा है, इसी तरह से प्रदेश की जो जयराम सरकार है वो भी धड़ाम से टूटेगी। जी सुनीता, और अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग इसमें घायल हुए थे उन्होंने अस्पताल में जो है वो इलाज के लिए लाया गया था, जिनमें से कुछ एक को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भी इलाज जो है वो करवाया गया है। 2 से 3 लोगों को हल्का फ्रैक्चर जो है वो सामने आया है, बाकी सभी की हालात जो है वो बिल्कुल ठीक है पुनीता। बिल्कुल, और मुकेश अग्निहोत्री, खबर ये भी मिल रही है कि उनको भी चोटें आई है, तो क्या किस तरीके की चोटें उन्हें आई है? क्योंकि देखिए ये जिस तरीके से घटना घटी इसके बाद वो खड़े भी हुए और बीजेपी पर हमला करते हुए भी नजर आए। जी बिल्कुल पुनीता, आपको बता दें कि जब ये मंच जो है वो टूटा उस समय नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री स्टेज पर खड़े होकर जो है भाषण दे रहे थे, और जिस तरह से जैसे ही मंच टूटा तो वो उसके बाद तुरंत जो है वो खड़े हुए और जनता के बीच जाकर उन्होंने जो है वो द्वारा अपना भाषण दिया, और जब उनकी जो जनसभा समाप्त हुई उसके बाद वो भी अस्पताल पहुंचे। उनके टांगों में हल्की चोटें जो है वो आई थी, उन्होंने वहां पर उसकी मरहम पट्टी कराई और उसके बाद वो अपने फिर से जो उनके तय कार्यक्रम थे उनके लिए रवाना हो गए थे। बिल्कुल, और मंच टूटा है क्या इसे लेकर भी किस तरह का एक्शन लिया गया है अमित? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो मंच टूटा है फिलहाल इसकी कांग्रेस के लोग अपनी तरफ से जो है वो जांच पड़ताल जो है कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एकाएक भीड़ काफी संख्या में स्टेज के ऊपर चढ़ी थी वो सबसे बड़ा कारण जो है वो मंच टूटने का माना जा रहा है। फिलहाल ऐसी कोई भी स्थिति जो है वो सामने नहीं है अभी तक आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।